मेरी लाज रखे माँ, मेरी लाज रखे। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार करते माँ, अन्यथा अरुण की महारानी बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। पकड़ लो इसे, पकड़ो। आप ठीक है ना तुम्हारी? हम बिल्कुल ठीक है रानी बाप। चल यहाँ से, चलिए राजबा। पकड़ो उसे। आप लोग कौन हैं? ये वो नहीं है, ढूंढो उसे। मुझे मेरी मेरी इच्छा पूर्ति करनी ही होगी, मेरा सपना पूरा करना ही होगा तुझे। मेरी सुन ले माँ, मेरी सुन ले, तुझे सुनना ही होगा, सुनना ही होगा माँ। लगता है कोई आ रहा है। चलो शोभा। नहीं शोभा, हम तुम्हें संकट में नहीं जाने दे सकते। नहीं रानी बा, हमें कुछ भी नहीं होगा, हमारे विश्वास कीजिए, हम शीघ्र वापस आएंगे। ठीक है पुत्र, जाइए अपने काकाश्री को लेकर आइए। अकेले इन दुष्टों से लड़ रहे हैं, अगर इन्हें शीघ्र सहायता नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा, क्या करें? अरे कोई है? पोर्ट खोलो। बापू जी, अन्यथा आपका भूरोस और धूम गंद
कुछ नहीं होगा। आदिनाथ, हमने उत्तर और दक्षिण द्वार के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। यदि ये आदिनाथ, ये हमने कहा था ना कि ये हमारे बहुत काम आएगा, हमने इसे अपने पक्ष में कर लिया है, तभी ये हमारे लिए लड़ रहा है। ठीक है, यदि शेष सैनिक नहीं माने तो उन सबको मार डालो। अवश्य। मेरी शोभा जरूर आएगी। आओ मेरे पास। जाने तुझे क्या क्या कहा? अपनी माँ को तो कर गई, अब मुझे कहा जा मुझे। तेरा मुख देखता हूँ ना तो सारा दिन अशुभ रहता। मैं ठीक हो गया तेरे घर। हाँ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी। नहीं बाबूजी, नहीं नहीं बाबूजी। मेरे बच्चे, पापा का तो मैं हूँ, दुष्ट मैं हूँ। Thank you.
मैं उस भालूमान को नहीं छोड़ूंगा, हम जानते हैं बापू श्री, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उठाइए अपनी तलवार और शत्रुओं का सर्वनाश कर दीजिए। पापा श्री अकेले दस्तावेज और उसके सैनिकों से लड़ रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। नहीं बापूजी, ये आपका भ्रम है, आप पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं और आपसे सही था चालुक्य वंश में और कोई दूसरा नहीं। उठिए बापूजी, उठिए, उठिए बापूजी, उठिए। भगवान आपको विजय होने की शक्ति देंगे। सोमनाथ श्री दे, शक्ति दे सोमनाथ, शक्ति दे। और बापूजी, फिर विजय प्रभु ने हमें बताया था कि जो भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाता है, भगवान सोमनाथ उसकी सहायता अवश्य करते हैं। बापूजी, उठिए बापूजी। दादा श्री को आपकी सहायता की आवश्यकता है, उठिए। अन्यथा आपका गुरु और धूप गंदे भी के ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यही लोग, मैं अभी आया। सुल्तान, रानी बाकू किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, समझा? जा, 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 जा। जा।
उस लुटेरे को क्या समझता है? मेरा छोटा भाई अकेला है। अच्छा, तो तू है दद्दा चालुक्य का बड़ा भाई। तू मेरी सारी मुश्किलें आसान किए दे रहा है। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई खुद मौत के मुंह में आ गया। अब हम तुम्हारे पूरे खानदान को तहस नहस कर देंगे। दोनों के लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। सुल्तान,